फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई, और ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है आदित्य बिरला कैपिटल हायरिंग ड्राइव की तरफ से। आदित्य बिरला कैपिटल हायरिंग ड्राइव हायरिंग कर रही है सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए। पैन इंडिया हायरिंग हो रही है ये, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि एक्चुअली क्या क्वालिफिकेशन मांगी हुई है इसमें, क्या सैलरी रेंज आपकी रहने वाली है, ठीक है। कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है इसमें अप्लाई करने का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने सैलरी रेंज दे रखी है 2,50,000 आपकी पर एनम रहेगी, और इसके साथ आपका इंसेंटिव रहेगा, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं कि क्या क्या टर्म्स वगैरह है, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन वगैरह मांगी हुई है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑफ ऑल एक टेस्ट होगा, अटेम्प्ट द कॉग्निटिव असेसमेंट विद इन द स्टाइप्युलेटेड टाइम पीरियड। दिस इज ऑल्सो एन एलिमिनेटरी राउंड एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू अपीयर फॉर इंटरव्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक छोटा सा असेसमेंट होगा, ठीक है। हो सकता है एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह से रिलेटेड हो, आई कान से इसमें लिखा होगा डिटेल्स में, मे बी अभी देखते हैं। और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं स्टार्ट डेट, ये 9 जून से ये डेट स्टार्ट हो चुकी है, उसकी लास्ट डेट 14 जुलाई तक रहने वाली है, ठीक है। तो इसका मतलब लिमिटेड है, 5,000 यहाँ पे वैकेंसीज है, ठीक है, सॉरी 500 वैकेंसीज है। ये देखिए नीचे यहाँ पे लिखा है, ये रहा नंबर ऑफ वैकेंसीज 500, ठीक है, ओके। अब उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पर टेस्ट होगा और सबमिट रेज्यूमे, प्लीज़ सबमिट योर रेज्यूमे इन PDF फॉर्मेट ओनली, ठीक है। तो PDF फॉर्मेट में जाएगा, डॉक में नहीं जाएगा, PDF में जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स मे बी इंटरव्यूड बाई द पैनल मेम्बर्स फ्रॉम आदित्य बिरला कैपिटल, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव योर असेसमेंट, और उसके बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो देन यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू, ओके। अब जाते हैं डिटेल्स क्या है, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस इज हायरिंग फॉर द रोल ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस भी लिख रखा है, और कैपिटल आदित्य बिरला कैपिटल हायरिंग ड्राइव लिख रखा है। तो ऐसा हो सकता है कि आदित्य बिरला कैपिटल में आपको हेल्थ इंश्योरेंस की इनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस इज हायरिंग फॉर रोल ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव। सेल्स एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल है, 500 वैकेंसीज है, ठीक है। अब है रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑफ कैंडिडेट्स, तो मैं भी आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनकी क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता दूँ। फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एनी डिसिप्लिन, ठीक है। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो बट अगर आप फाइनल ईयर के हो तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर आ जाता है कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल हर जगह मांगा जाता है जहाँ भी सेल्स रिलेटेड वर्क हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट मार्केट अवेयरनेस, तो अगर आपका सेल्स रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं वो मार्केटिंग से भी रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। एग्जीक्यूशन स्किल, तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ें मांगी गई है जो जनरली होनी ही चाहिए। सैलरी रेंज मैंने आपको बता दिया है इसकी क्या है, 2,50,000 पर एनम प्लस इंसेंटिव है, ठीक है। वर्क है आपका 6 days अ वीक है, ठीक है, ऑल्टरनेट सैटरडे ऑफ, ठीक है। तो आपके जो सैटरडे सैटरडे आपको ऑफ रहेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे है कि वीक 6 days अ वीक आपका, 6 days इन अ वीक आपका वर्क रहने वाला है विद ऑल्टरनेट सैटरडे ऑफ। तो यानी कि सैटरडे ऑफ हो सकता है लेकिन वो ऑल्टरनेट होगा, कभी कभी आपको सैटरडे की छुट्टियाँ मिल जाएगी, जैसे बैंक में होती है कि सेकेंड सैटरडे छुट्टी होती है, उसी टाइप से कुछ इनका रूल होगा, ठीक है। मेन आपका 6 days अ वीक आपका वर्क रहने वाला है। What are the important dates and deadline? Just as I told you, 14 जून से शुरू हो चुकी है और इसकी 14 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। हेल्प डेस्क दे रखा है इन्होंने support@unstop.com, तो इस पर आप जा कर के जो भी क्यूरीज हो, जो भी डाउट हो आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ सैलरी दे रखी है 2,50,000, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल से क्लियर कर लीजिएगा कि ये सिर्फ इंसेंटिव बेस्ड तो नहीं है, बिकॉज इससे पहले भी जो आदित्य बिरला ने इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव के नाम पे जो हायरिंग की, ठीक है, उसमें बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही, क्योंकि उनका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि उनको मेंबर्स बनाने हैं, पहले आप इतने इंश्योरेंस कराओ तब आपको परमानेंट करेंगे, तो सैलरी कुछ और बता रहे हैं शायद, है कुछ और मुझे नहीं पता। जो कमेंट्स आते हैं उसके बेसिस पे मैं बोल रही हूँ कि इससे पहले जो इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव की जो इन्होंने हायरिंग की वो काफ़ी डाउटफुल है, वो कमेंट देख करके लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने साफ तौर पे सैलरी पर एनम इन्होंने 2,50,000 दे रखी है, उसके बाद
एक्स्ट्रा इंसेंटिव की बात की है। तो यहाँ पे आप इनसे जब भी आप इनका इंटरव्यू होता है, आप इनसे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। या तो इनका जो ईमेल आईडी दे रखी है कि हाँ मुझे वाकई सैलरी मिलेगी, या मैं पहले इंश्योरेंस करूँ उसके बाद जाके मुझे 6 इंश्योरेंस करूँ फिर आप उसको सैलरी देना स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ें आप क्लियर कर लीजिए, बिकॉज टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। किसी का टाइम ख़राब करना ये बहुत गलत बात है, और मैं कभी भी जानबूझ के इंटेंशनली ऐसे कोई भी वीडियो नहीं बनाती हूँ जिसमें बच्चों की मेहनत ख़राब हो, टाइम ख़राब हो, क्योंकि हर इंसान को पैसों की ज़रूरत है तभी वो नौकरी सर्च कर रहा है, ठीक है। ऐसे में किसी का टाइम ख़राब करना बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, ठीक है। तो यहाँ पे साफ तौर पर इन्होंने सैलरी दे रखी है कितनी पर एनम है, दैट्स वाई मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं डिफिनेट दिया होता तो मैं वीडियो नहीं बनाती, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे कहूँगी कि इनसे आप क्लियर कर लीजिएगा कि यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव का वर्क है, हेल्थ इंश्योरेंस का भी आप वर्क कह रहे हो है, ठीक है। तो क्या अगर आपकी मैं पॉलिसी सेल करूं या आपके प्रोडक्ट को सेल करूं तब मुझको इंसेंटिव मिलेगा, या वाकई ये क्या कहते हैं जैसे फुल टाइम जॉब होती है 9 से 6 वाली वैसी ही है कि मैं एक बार असेसमेंट दूं उसके बाद मेरा इंटरव्यू हो जाओ, फाइनल मेरा सिलेक्शन हो जाओ, मुझे मंथली सैलरी मिले, मुझे इंसेंटिव मिले ना मिले बात की बात है, ठीक है। लेकिन मुझे भले चाहे 10,000 रुपये महीने सैलरी मिले लेकिन वो फिक्स्ड मिले, ठीक है। ये चीज़ें आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। किसी भी तरह की धोखाधड़ी किसे मत पड़िएगा, पूछिएगा कि मुझे यहाँ पर ऑफर लेटर मिलेगा विद सैलरी डिटेल्स कि हाँ मुझे इतनी मंथली सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बाकी चीज़ें दिखा देती हूँ। जॉब लोकेशन पैन इंडिया हायरिंग होने वाली है, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, सैलरी इन्होंने बार बार दे रखा है 2,50,000 पर ईयर। तो ये आप इस पर डटे रहिएगा कि अगर ये सही हो, ठीक है, ऐसा ना हो कि हाँ आप पहले 6 हमारे कस्टमर्स लेकर के आइए, हमारी 6 पॉलिसीज बेचिए, इतने लाख रुपए की पॉलिसीज बेचिए, फिर आपको ये ऐसा मिलेगा, ऐसा कुछ नाटक नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ नाटक होना तुरंत लात मारना जॉब को, ठीक है। क्योंकि मैं 2 वीडियो बना के देख चुकी हूँ, और देखिए मैं हम लोग क्या वीडियो बनाते हैं, जो डिटेल्स दी गई हम लोग को जो जॉब साइट्स होती है उससे हम लोगों ने चीज़ें उठाई। हर कंपनी में जाकर के हम लोग नहीं पूछ सकते हैं कि, क्योंकि हम लोग रोज़ वीडियो बनाते हैं, 2-2 वीडियो बनाते हैं। अब हर कंपनी में जाकर के कंफर्मेशन करें कि क्या वाकई रिक्वायरमेंट है। तो देखिए कंपनी के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, ऐसा थोड़ी कि कोई एक बिल्डिंग है वही कंपनी, ऐसा तो होता नहीं, उसके अथाह ब्रांचेस होते हैं। कहाँ से वैकेंसी आउट हुई है, कौन हायरिंग कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, हर चीज़ हम लोग नहीं पता कर सकते। हम लोग जो ऑथेंटिक जॉब साइट्स होती है ना, लिंक्डइन हो गया है, नौकरी हो गया है, वहाँ से जॉब्स उठाते हैं, ठीक है। अब उसके उसमें भी जो डिटेल्स दी रहती है बाकायदा उसको स्क्रीन को यूट्यूब पर दिखाते हैं, ठीक है, कि देखो ये पोस्ट है, इतनी सैलरी है, ये क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, हमको इनसे कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो बनाते हैं, मतलब हम लोग को अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है, अभी तो मेरा मोनेटाइज भी नहीं है, कोई पैसा नहीं, ठीक है, मैं साल भर से टाइम ख़राब कर रही हूँ अभी, ठीक है। तो ये किसी अपने बेनिफिट के लिए नहीं वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों के ही बेनिफिट के लिए बनाती हूँ। तो चीज़ें आपकी भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वीडियो देखने के बाद भी आपका जब इंटरव्यू हो तो चीज़ें आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बता दिया है ये सैलरी रहने वाली है, बाकी आपका इंसेंटिव रहने वाला है, वर्क डिटेल्स वगैरह आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा नहीं गया है, ओके, ये तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। इसका अप्लाई लिंक मैं आपको पहले मैं आपको जॉब आपका क्या प्रोफाइल रहने वाला है मैं वो बता देती हूँ, ठीक है। ओके, ये रहा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, डेवलप एंड एग्जीक्यूट सेल्स स्ट्रेटजीज टू ग्रो द GWP बिजनेस, मैनेज रिलेशनशिप्स विद की पार्टनर्स इंक्लूडिंग ब्रोकर्स इंटरमीडिएटरीज एंड सेल्स टीम्स, drive revenue growth by identifying and closing new business opportunities, track and report on sales performance, develop and implement training programs for partner sales teams, stay up to date on industry trends and best practices, okay। तो आपका जो वर्क है वो तो काफी अच्छा है, एक तरह से देखा जाए तो कोऑर्डिनेटर टाइप का वर्क है और बिजनेस डेवलपमेंट टाइप का आपका वर्क रहने वाला है काफ़ी हद तक, ठीक है। तो
प्रोफाइल सही है, प्रोफाइल अच्छी है और ऐसी प्रोफाइल के लिए आपकी फिक्स सैलरी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज 500 है। जो भी अगर डाउट कंफ्यूजन कुछ होता है सैलरी वगैरह को लेकर के, वो आप इनका सपोर्ट के लिए यहाँ पे इन्होंने ईमेल आईडी वगैरह दे रखी है उस पर पूछ लीजिएगा। अदरवाइज जब भी आपका इंटरव्यू वगैरह होता है उस पर आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।